हेलो दोस्तों, मैं हूं विराट चतुर और ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक चैनल डिलीट होने के बाद कितना दुख होता है ये आज मैं जानता हूं, और वो आदमी जानता है जिसका यूट्यूब चैनल डिलीट हो चुका है। दोस्तों, कुछ महीनों कुछ सालों पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, काफ़ी मेहनत की थी उसके ऊपर, मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने उसके ऊपर डाले थे। तो मैं यूट्यूब के ऊपर नया था, मुझे यूट्यूब के बारे में कोई गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशन ये ज़्यादा मालूम नहीं थे, या तो उसके ऊपर मैंने ज्यादा स्टडी की नहीं थी ये गाइडलाइंस या रूल्स रेगुलेशन के ऊपर। कुछ दिनों तक मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा था, मैं काफी वीडियो अपलोड कर रहा था, अच्छा खासा चैनल चल रहा था, रोज का रोज सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे थे, बहुत सारे सब्सक्राइबर चैनल के ऊपर आ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मेरा चैनल ही डिलीट, जैसे मैंने Y2 स्टूडियो ऑन कर दिया वहां पे चैनल शो नहीं कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, ये क्या हो रहा था, Y2 स्टूडियो खराब हो गया क्या। मैंने Y2 स्टूडियो ऐप वापस अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर दिया, फिर भी वहाँ पे चैनल दिखाई नहीं रहा था। मुझे लगा रेंज का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो मैंने हॉटस्पॉट लेके भी चेक किया, फिर भी वहाँ पे चैनल नहीं चल रहा था। मैं काफी परेशान हो गया था, क्यों चैनल Y2 स्टूडियो में दिखाई नहीं दे रहा है। फिर जैसे मैंने उस ईमेल आईडी को ओपन कर दिया चैनल की, तो वहाँ पे 20-25 कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब के थ्रू मुझे आए थे। कॉपीराइट स्ट्राइक देखने के बाद कुछ वीडियोज में जो कंटेंट थे वो कुछ कंपनीज के थे, और ये कंपनी ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा था। उस कंपनी के कंटेंट और भी बहुत सारे यूट्यूबर ने यूज किए थे, लेकिन उस कंपनी ने मुझे मेरे वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया। बस 15-20 कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद मेरा चैनल तुरंत डिलीट हो। एक दिन तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, चैनल डिलीट हो गया, अभी क्या किससे हेल्प मांगू और क्या करूं। ज्यादा जानकारी नहीं थी, मैंने कोई मेरा एक नजदीक का जो एक यूट्यूबर दोस्त था अक्षय कानाडे, उससे बात की कैसे ऐसा मेरा एक चैनल था जो डिलीट हो गया। उन्होंने बोला चलो अपन मेल करेंगे, कुछ करेंगे और लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चैनल कब आ जाएगा पता नहीं था, या आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता था। एक दिन के बाद बहुत सोचा मैंने और फिर डिसाइड कर दिया कि एक नया चैनल बना लिया। फिर एक नए उम्मीद से नए जोश से मैं वापस काम पे लगा, एक नया चैनल विलास चतुर के नाम से मैंने खुद बना लिया। पहला जो चैनल था ये मैंने मेरे नाम से नहीं बनाया था, ये अलग नाम से बनाया था। फिर सोचा कि नहीं अभी अपना ही नाम यूज करेंगे, ये अपना ही ब्रांड बनाएंगे, क्यों दूसरे का नाम यूज करना है, क्यों दूसरे के नाम को ब्रांड करना है। तो सोचा कि नहीं अपना ही नाम ब्रांड करेंगे, अपने नाम में क्या खराब। फिर मेरे नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया, 5-6 महीने हो गए, अभी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, कि आप वीडियो डालते हैं, आप मेरे जैसे यूट्यूबर हो और आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करते, तो वीडियो को एक बार देखना है कि इसमें कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस या कॉपीराइट्स का कोई मामला तो नहीं है, क्योंकि जब अपलोड करते तब उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद यूट्यूब की नज़र में कुछ चीज़ आ जाती है तो यूट्यूब स्ट्राइक भेज देता है, और 3 स्ट्राइक आने के बाद यूट्यूब चैनल डिलीट कर। तो दोस्तों, मैं यही सोचता हूँ कि मैंने जो गलती की ये आप ना करें और आपका चैनल बचे। लेकिन जब तक ठेस नहीं लगती तब तक आदमी जागा नहीं हो। मुझे ठेस लगी, मेरा चैनल डिलीट हो गया। उसके बाद मैंने सब रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस पढ़े, अब जो भी वीडियो डालता हूँ बहुत सोच समझ कर डालता हूँ और अपलोड करता हूँ वीडियो को, जहाँ पे कुछ कॉपीराइट के कंटेंट का प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके साथ ये हादसा ना हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।